वर्तमान हालात किस प्रकार है तभी जाके आपको मालूम चलेगा कि आने वाले जो पंद्रह दिन है उसमें से क्या इवेंट्स क्या सरप्राइजेस आपके लिए डेफिनेटली वेट कर रहे हैं यूनिवर्स फिट गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जिंदगी में ऑफ़ कोर्स एंड कोर्स उनके वर्तमान हालात किस प्रकार है सो हाउ इज अ कर प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स है उनकी जिंदगी में ऑफकोर्स उनके करेंट सर्कमस्टेंसेस किस प्रकार है व्यूअर्स गाइड्स प्लीज गाइड करें उनके वर्तमान हालात जो है वो किस प्रकार है ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू हैव थ्री ऑफ एथम्स ओके हमारे पास है यहां पे डेविल दैट इज द नेचर वी डू हैव द मून यहाँ पे है हमारे पास नाइट ऑफ एथम्स ओके वी डू हैव द हर्मिट कार्ड द होली किंग एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है एट ऑफ कप्स मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि आ, ऐसे तो आप बहुत पास्ट जो आपके घाव थे इससे आप कंप्लीटली तो नहीं एटलीस्ट कुछ लोगों के लिए कम्प्लीटली और कुछ लोगों के लिए अभी भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत हद तक तो आप रिकवर हो चुके हैं लेकिन जैसा बोला जाता है ना कि घाव चला जाता है लेकिन वो मार्क वो निशान जो है वो अपने शरीर में रह जाते हैं अच्छा एक्वेरियस एक्वेर एंड लीब्रा राशि यहाँ पे है कैप्रिकॉर्न यहाँ पे है पाइश यहाँ पे है वी डू हैव वर्गो वी डू हैव कैंसर पाइशिस एंड स्कॉर्पियो मुझे यहाँ पे नंबर्स जो इम्पोर्टेंट दिख रहा है वो है थ्री फिफ्टीन एटीन और नाइन कुछ लोगों के लिए आपके करेंट सिचुएशन में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो कुछ जगह पे जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं या ऐसा आपने देखा कि अचानक से आप जिस तरह के जॉब करना चाहते हैं या जिस तरह का फील्ड आपका जो है आप पैशनेट हो जाते हो आप बहुत ज्यादा जुनून आपका बढ़ जाता है उस तरह के कुछ सिचुएशन क्रिएट हो रहे हैं वैकेंसीज वहां पे निकल रहा है और आपको ऐसा लगता है कि आप डेफिनेटली उसमें फिट बैठेंगे आपकी प्रोफाइल जो है कहीं ना कहीं पे मैच होगा ही और आपका वहाँ पे सिलेक्शन होने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है एंड इसलिए आप अपना सारा जो है अटेंशन चाहे वो हायर एजुकेशन भी हो सकता है पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च भी हो सकता है एनी टाइप ऑफ डिग्रीज के लिए हो सकता है आप ऐसा कर रहे हो या फॉरन माइग्रेशन के लिए हो सकता है फॉर एनी थिंग ओके इट्स लाइक दैट और जब आप स्टडीज स्टारी, कर रहे हैं या अगर जब आप कंपटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन ले ही रहे हैं या कुछ न्यू एरिया पे आप अपना फोकस ठीक है हो सकता है कि आप ऑलरेडी वीडियो या कंटेंट क्रिएटर है लेकिन कुछ अलग सा ही फील्ड में आपको उस चीज को क्रिएट करना है फॉर एग्जाम्पल आप मे बी यू डू द कंटेंट यू कैन से ऑफ फूड बट यू वॉन्ट टू डू यू कैन से इन द फील्ड ऑफ ट्रैवल ऑल्सो बट आपने नहीं किया अभी तक आपने जो है अपने लोकल एरिया का ही आप फूड ब्लॉग्स क्रिएट कर रहे थे उस तरह से मैं आपको समझाना चाहती हूँ मे बी यू वॉन्ट टू यू कैन से रे सोसाइटी अवेयरनेस हो सकता है कि आप सामाजिक जो है उनको जागृत करने के लिए कि कितने लोग गरीब है कितने लोग अंडर प्रिविलेज्ड है उन लोगों को हेल्प नहीं पहुंचा पाते हैं हम उनको गवर्नमेंट भी तो देते हैं लेकिन सफिशियंट नहीं होते हैं तो हमारे तरफ से कुछ करना ज़रूरी है ये सब अवेयरनेस कैंपेन जो है जो अभी तक बहुत सारे लोगों से छुपा हुआ है उसको आप लाइमलाइट पे लेके आना चाहते हो या कोई डार्क सीक्रेट्स है चाहे वो समाज का हो चाहे वो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हो कि वो किसी भी तरह का हो यू वॉन्ट टू जस्ट टेक इट टू दाइम लाइट हो सकता है कि आप रिसर्च कर रहे हैं और उस दौरान आपने देखा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशंस ठीक है करना जरूरी है अदरवाइज ये बहुत ज्यादा पहले जमाने में क्या था ना विच क्राफ्ट प्रैक्टिस या एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी या टैरो वट इट वॉज एक्चुअली हिडन स्पेशली द विच क्राफ्ट जो स्पेल्स करते हैं जो लोग ठीक है और जो भी सब करते थे ठीक है वो बहुत ज्यादा मतलब अपने आप को बहुत महफूज रख के करते थे क्योंकि आधा लोगों को उसके ऊपर विश्वास नहीं था नहीं बोलेंगे उनको ऐसा लगता था कि ये धर्म के विरुद्ध है मतलब कुछ ज्ञान नहीं था वहां पे उसी तरह से कुछ हिडन एस्पेक्ट्स के बारे में अभी तो इट इज़ क्वाइट पॉपुलर एवरी वन नोज एवरी वन लाइक्स इट इट इज़ लाइक दैट बट प्रीवियसली इट वॉज नॉट देर जब ये चीज़ हुआ ये बहुत हिडन चीज़ें होते हैं ओकल्थ एस्ट्रोलॉजी लाइक दैट सो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है दैट यू विल बी मोर इन्वॉल्व विद इन दिस हो सकता है कि आप इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है यूनिवर्स के बारे में जाना ब्रह्मांड कॉस्मिक एनर्जी एंड डेफिनेटली दैट्स वाई यू फील दैट यू आर क्वाइट डिटैच फ्रॉम सोसाइटी हो सकता है आपको ऐसा लगता है इसलिए आपके ओपिनियंस लोगों से डिफर करते हैं इसलिए उनके पास प्रॉपर आंसर तो नहीं होते हैं कुछ टॉपिक का लेकिन आपके पास ज़रूर होते हैं बिकॉज ऑफ योर नॉलेज बट स्टिल यू फील हार्ट एंड यू फील डिसअपॉइंटेड आपको अभी भी तकलीफ होता है कुछ लोगों से आपको अभी भी हताश आप हो क्योंकि कुछ लोगों ने आपके साथ बिल्कुल गलत किया और इसलिए आप ने उनके साथ रिश्ते नाते तोड़ दिए और यू हैव ऑलरेडी मूव्ड ऑन बट स्टिल यू आर ट्राइंग योर लेवल बेस्ट टू रिकवर कुछ लोगों के लिए आप अभी भी अपने घर को मिस कर रहे हैं एंड यू आर सो ऑक्यूपाइड विथ योर प्रोफेशन और वर्क दैट यू डोंट हैव टाइम आपके पास समय बहुत ही कम है बहुत ज़्यादा ही है। लोग देखते हैं कि आप कितना बिजी रहते हैं सिर्फ रूटीन काम नहीं करते घर में आते हैं फिर घर का काम शुरू हो जाता है बाहर का काम भी है एंड देर फॉर यू कीप प्योर सन सो मच बिजी यू डोंट पे अटेंशन टू पेटी थिंग्स छोटे छोटे चीजों में आप उतना ध्यान नहीं देते लेकिन लोगों का उत्सुकता आपके लाइफ को लेके बेहद ज्यादा है ओके नाउ लेट मी सी Ki within the next 15 days, what is definitely coming for you? So, within the next 15 days, what is definitely coming for you? So, we do have boundaries, yahan pe hai. we do have sovereignty, yahan pe hai fruition, yahan pe hai change, yahan pe hai protection. और यहाँ पे है रिलीज़ देखो यहाँ पे भी एट ऑफ कप्स और यहाँ पे है रिलीज विद इन द नेक्स्ट फिफ्टीन डेज आप कंप्लीटली जब फॉर एग्जाम्पल जो पॉर्कुपाइन होते हैं इस कांटे को देख के मुझे याद आया उस क्रीचर का उस एनिमल का अगर आपको नहीं पता तो आप प्लीज़ पता कर लेना पॉर्कुमाइन क्या है पॉर्कुपाइन और हेज हॉग दोनों बराबर के ही कुछ है बट स्पीसीज थोड़ा डिफरेंट है उनके जो है शरीर के ऊपर बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं और कांटे इसलिए है भगवान ने उनको डिफेंस मैकेनिज्म दिया है जब शेर या भालू उनको खाने के लिए जाएंगे ना तो उनको कांटे छोड़ देते हैं ठीक है ताकि उनको वो खा नहीं पाए सो so, आपकी जिंदगी में मुझे यहाँ पे दिख रहा है लाइक like, बहुत सारे पेन बहुत ज़्यादा दर्द और घाव आपकी ज़िंदगी में भरे हुए थे और यही आपके लिए बहुत बड़ा डिफेंसिव मैकेनिज्म हुआ आप उससे ही सीखे आप उससे ही स्ट्रांग बने आने वाले समय में विद इन द नेक्स्ट फिफ्टीन डेज यू विल बी मच मोर कॉन्फिडेंट इन योर एक्टिविटीज़ क्यों बताओ बिकॉज यू विल ऑलरेडी नो दैट इस तरह का सिचुएशन मेरे साथ हो चुका है और किसी भी हालत में मेरा काम है आगे बढ़ना और मैं आगे बढ़ के ही रहूँगी कोई मुझे रोक नहीं सकते इवन कांटे भी आपके तरफ अगर आएंगे तभी भी आपके पास वो डेफिनेटली वो सल्यूशन होगा उस कांटे को कैसे निकाल फेंकते हैं विदाउट गेटिंग हर्ट यू विल बी सच स्ट्रांग सी यू आर होल्डिंग दैट थॉन, ठीक है बिकॉज यू आर दैट ब्यूटिफुल रोज नाउ जो आपने कुछ स्टैंडर्ड सेट करके रखे हैं फॉर योर लाइफ पार्टनर और फॉर द जॉब और फॉर एनी टाइप ऑफ थिंग्स लाइक सपोज़ आपने ऐसा करके रखा है कि नहीं अगर इस तरह के क्वालिटीज़ मेरे पर्सन के अंदर होंगे तो ही मैं राजी हूँ ठीक है फॉर अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप अदरवाइज नॉट सो मे बी यू विल जस्ट मीट दैट पर्सन एंड यहाँ पे इन द नेक्स्ट फिफ्टीन डेज जो है यू विल पुश थ्रू डिफरेंट रेस्ट्रिक्शंस अगर रेस्ट्रिक्शंस दिया भी जाए तो भी आप उसको एकदम पूरी तरह से अपने फोर्स से अपने पावर से आप उसको रिमूव करेंगे एंड आप डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे तभी ना जागे हो पाएगा वो एंड अगर कुछ जगह से अगर आपको इवन कॉल आया या अगर ऐसा भी हुआ है कि पर्टिकुलर पोजीशन अवेलेबल नहीं है लेकिन जिम्मेदारी जो है ठीक है वो आपको लेना पड़ेगा शायद उस पोजीशन में आपको जॉब ना मिलकर कुछ और पोजीशन में मिले लेकिन जिम्मेदारी आपका लेना ही पड़ेगा दोनों पोजीशन का ही लेना पड़ेगा क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि दैट यू आर द मोस्ट सूटेबल पर्सन तो आपको रिक्रूट किया जाएगा इससे क्या होगा ना आपके अंदर वो पावर आएगा आपके अंदर वो ताकत आप आजमा सकेंगे कि ठीक है मैं मैंने दो डिपार्टमेंट्स या दो सब्जेक्ट्स पर या दो चीज़ों के ऊपर इतना ज़्यादा ही एक्सपर्ट मैं हूँ कि मेरे सिलेक्शन इस तरह से हो रहा है या मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जा रहा है एंड आई कैन डू द जॉब हो सकता है विद इन द नेक्स्ट फिफ्टीन डेज बहुत ज़्यादा लोग एबसेंट हो जाए ठीक है लीब में चले जाए और वो सारे काम आपको करना पड़े लेकिन आप ऐसा नहीं समझना कि आपको काम करवाया जा रहा है तो प्रोमोशन प्रोस्पेक्ट्स अप्राइसल वो सब कुछ ऑब्जर्व करेंगे एंड डेफिनेटली योर पावर विल इंक्रीज मुझे सिर्फ दिख रहा है कि आपके जो एक ख्वाब था चाहे हार्डवर्क के थ्रू ही ये हो रहा है लेकिन एटलीस्ट इट इज़ गोइंग टू गेट फुलफिल्ड जिस तरह से हर एक फल को खाना चाहिए हर एक शाक भाजी को खाना चाहिए क्योंकि हर एक चीज़ में न्यूट्रिएंट्स है पोषण है ठीक है चाहे वो वेजन डाइट हो चाहे वो वेजिटेरियन डाइट हो इट हैज़ गॉट ऑल द न्यूट्रिएंट्स राइट और हर एक चीज हो जैसे बहुत सारे दाल होते हैं उसको ट्राई करना चाहिए सिर्फ एक तरह का दाल नहीं तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यू आर गोइंग टू हैव एडवांटेजेस फ्रॉम ऑल साइड्स बहुत सारे डिरेक्शन से ठीक है ठीके? आपको एडवांटेजेस बहुत मिलेंगे क्या एडवांटेज मिलेगा यू विल बी लाइक कंसिडर्ड सुपीरियर एज कंपेयर टू अदर्स हो सकता है कि आप लोगों को में लगे कि आप तो एक बहुत बड़े मैनेजर है फिर भी आप एक काम सुपरवाइजर का कर रहे हैं या आप यू कैन से दैट आप एक एम्प्लॉय का कर रहे हैं लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यू विल गेन एक्सपीरियंसेस एंड डेफिनेटली यू विल नो हाउ टू हैंडल पीपल अगर आप एम्प्लॉय बनकर नहीं काम कर रहे हो तो आपको भी नहीं पता होगा कि एम्प्लॉय कहाँ पे गलत कर रहा होगा और कहाँ पे वो सही कर रहा होगा सो so, इससे क्या होगा यू विल हैव द नॉलेज दूसरा चीज़ है कि कुछ भी गलत आपके लाइफ में एंटर करने से पहले ठीक है आपको पता चलेगा यू विल बी यू कैन से गार्डेड हो सकता है कि उस रिलेशन को ही जो है ब्रह्मांड या भगवान जिनको भी आप मानते हैं वो कट कर दे बिकॉज दे विल प्रोटेक्ट यू अगर आपको ऐसा लग भी जाए विदिन द नेक्स्ट फिफ्टीन डेज ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ वो बंदा या बंदी मेरे पास आके भी क्यों नहीं आ रहे हैं मे बी इट इज़ यू कैन से द रिलेशनशिप इज़ नॉट गुड फॉर यू मे बी दैट पर्सन इज इविल या हो सकता है उसका इंटेंशन ख़राब है क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है मे बी देर इंटेंशनस आर नॉट गुड एज यू थिंक सो एंड में भी आपको ऐसा लग रहा है नहीं ये तो बहुत ज़्यादा मेहनती है ये बहुत ज़्यादा फोकस्ड है अपने काम पे ये बहुत रोजगार भी करते हैं लेकिन आप सिर्फ उसका ऊपर देख रहे हैं द सन्स यू द मून शेडो यू वींग जस्ट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर आपको नहीं पता ये शेडो है ये एक्चुअल में तो मून है नहीं राइट चंद्रमा तो है नहीं आपको पता है कि ये काम करते हैं लेकिन किस प्रकार का काम कर रहे हैं और काम कर रहे हैं तो इसके पीछे भी क्या वो कर रहे हैं यू डोंट नो सो अगर वो रिलेशनशिप आपके लिए बना होगा ऑब्वियसली विल यू आर गोइंग टू हैव दैट रिलेशनशिप फॉर लाइफ लॉन्ग वो भी आप रियलाइज करेंगे एंड अगर नहीं है तो भी आप करेंगे बिकॉज यूनिवर्स इज लाइक योर मदर राइट ब्रह्मांड आपके मॉम की तरह है जो आपको हमेशा केयर करेंगे और आप जैसे अच्छे बच्चे के लिए तो डेफिनेटली वो गलत नहीं चाहेंगे उसी तरह से यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक इसलिए है रिलीज रिलीज फ्रॉम पास्ट पास रिलीज फ्रॉम पास्ट इंजुरीज रिलीज फ्रॉम पास्ट एक्सीडेंट्स रिलीज फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स एंड डेफिनेटली जब रिलीज है तो यहाँ पे क्या है बटरफ्लाई सो ऑफ कोर्स दर इज अ ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन अभी हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द डाइसेस थोड़ा सा डाई से भी हम देखेंगे ताकि आपको भी पता चले कि आने वाला पंद्रह दिन कैसा रहेगा आप सबसे बड़ा बात तो है कि आप कुछ है ना जैसे चीजें होते काफी ओवर सेंसिटिव है आप और आप बेयर नहीं कर सकते आप सहन नहीं कर सकते आपको तुरंत रिएक्ट करना होता है और यही फायदा उठाते हैं सामने वाले उसको आपको इरिटेट करना ताकि आप रिएक्ट करो दस बारह बातें चाहे वो आप जैसे गुस्सा में होता है कभी कभी एब्यूजिव लैंग्वेज आ जाता है स्टेटमेंट्स पे तो चाहते हैं प्रोवोक करते हैं वो ताकि आप बोले और पीछे से हंसते हैं ये मैं तो देख ही पा रही हूं सो वट इज गोइंग टू कम विद इन द नेक्स्ट फिफ्टीन डेज ओके आई डेफिनेटली आई टोल्ड यू द मून हैज कम द रेनबो हैज कम ओवर हियर तो इसका मतलब ये होता है चांदनी रात ओके okay, और बहुत सारे ठीक है इंजॉयबल मोमेंट्स एंड डेफिनेटली आफ्टर द डार्क कम्स द सनलाइट एंड डेफिनेटली अगर बारिश होने के बाद ही रेनबुआता है सो तो इंद्रधनुष के जो सा, सातों रंग है वो आपके जीवन पे छा जाएगा कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो इंसान जो है आपको थोड़ा फ्लैटरिंग कर सकते हैं आपके करीब आने के लिए फ्लैटरिंग कर सकते हैं ब्लैंक मैसेज या कुछ ऐसा टेम्पटिंग मैसेजेस भेज सकते हैं जिससे आप बहुत प्रभावित होंगे बट यू शुड बी वेरी केयरफुल एंड आधे मैंने आपको बताया कि आपकी एनर्जी भी काफ़ी हाई रहेगा एंड यू विल बी सो पैशनेट इन कम्प्लीटिंग द जॉब कुछ चीज़ों को कम्प्लीट करने के लिए आप बहुत पैशनेट फील करें नहीं मुझे करना है अदरवाइज पहले क्या होता था आपको लेजीनेस लगता था अभी नहीं होगा कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जैसे हमारे घर में अगर कीड़े मकोड़े हैं इधर तो वी विल बाई द केमिकल्स राइट या हम पेस्ट कंट्रोल वाले को बुला लेते हैं उसी तरह से आपके घर मतलब आपके जीवन में कुछ ऐसे है टॉक्सिक एलिमेंट्स जिनको खुद आप दूर, आपको दूर करना पड़ेगा या तो आपको एडवाइजर के पास या गाइड के पास जाना पड़ेगा हाउ टू गेट द इफेक्टिव सोल्यूशंस क्योंकि वो कीड़ा आपके दिमाग अब अभी तक है उसको आपको निकालना पड़ेगा एंड मे बी फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस देर कैन बी सर्टेन न्यूज और यू विल ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस या आप प्रिपरेशन करेंगे कुछ प्लानिंग करेंगे इसलिए वहाँ पे रिलीज है हो सकता है उस जगह को ही छोड़ दें आप उस जगह को ही वैकेट कर दें क्योंकि हो सकता है कि उस हॉस्टल को छोड़ दें या उस मेस को छोड़ दें या उस घर को ही आप छोड़ देंगे ठीक है ताकि आप एक नई जिंदगी बसा सकें वही तो होना है आपके साथ सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज इटी बिकॉज इट इज शोइंग लाइक दिस ऑल्सो अ ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट लाइक दैट कि ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन है ट्रांसफॉर्मेशन इन इट्स लार्जेस्ट फॉर्म इन द हार्ड डायमेंशन फॉर्म यहाँ पे देखो यहाँ पे उस घर को छोड़ के या बंदा या बंदी जो भी है वट एवर द एनर्जी He has come out of that house because he does not feel that this house is suitable. Although he knows that यहां पर क्या है पूरी तरह से cold है right? यहाँ पे सर्दी है बर्फ भी गिर रहा है उसके हाथ में सिर्फ एक लैंडर्न ही तो है पर उसने ये घर का कंफर्टेबल पोजिशन जो है वो छोड़ दिया क्योंकि उसको ड्रामा नहीं पसंद हो सकता है कुछ ड्रामा के वजह से ऐसा हो कुछ नोटंकिंग कभी कभी हो जाता है सोसाइटी में भी होता है उस तरह से सो दिस इज़ ऑल अबाउट टू डेज रीडिंग आइज आई होप मैंने आपको अच्छा से समझाया होगा प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू सो मच फॉर बींग विथ मी लव य लॉड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड